बोरी हूँ मैं तेरा चर्चा है, तेरे आगे सभी है मान दे तू वो कंचा है। दिखाई नहीं देती इतनी बड़ी गाड़ी सामने से आती हुई। शुक्र है इन वक्त पे मैंने देख लिया, वरना नुकसान करते थे मेरा। देखने की जरूरत उससे नहीं तुम्हें। पता नहीं किस धुन में गाड़ी चला रही थी, सारा सामान उसका गिरा है, उसका नुकसान हुआ है। माजरत करने के बजाय कर रही हो। एक तो तुम लो लेवल लोगों का ना प्रॉब्लम ही है, गलती खुद करते हो और मानते नहीं। ये पकड़ो, तुम्हारे नुकसान से ज्यादा पैसे दिए, क्या याद करोगे? अफसोस, तुम्हारे माँ बाप ने इतनी बड़ी गाड़ी तो दिला दी तुम, लेकिन तरबियत जरा भी नहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी तरबियत पर बात करो? जिन पैसों पर इतना अकड़ रही हो ना, काश इसके बदले कुछ तरबियत भी हुई होती तुम्हारी। तुम जैसी के मुंह नहीं लगती मैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हरकत है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे खिलाफ करने की? सर, पता नहीं क्या हो गया था, मैंने पहन ली। मैं अभी धो के लेके आती हूँ। धोने की बच्ची भी जरूर था। सर, फिर भी अल्लाह के वास्ते दोबारा नहीं करूंगी, दोबारा नहीं करूंगी, फिर नहीं करूंगी। मैं एक दफा माफ कर दे। इस बार माफ करी हूँ, आइंदा के बाद माफ नहीं करूंगी, समझी? ये सब क्या है? अरे इसे क्यों जला दिया तुमने? क्योंकि रानी खुद को रानी समझ के मेरा स्टाफ ट्रॉन कर रही थी। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। चलो अंदर, चलो। ये क्या हरकत थी तुम्हारी? अरे उसे वॉश करवा लेती या उसी को दे देती, किसी के काम तो आती चीज। क्यों? जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरी रहेगी। कोर्स में नजर भी डालेगा ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझसे आज एक 2% की लड़की मुझे मेरी परवरिश पर ताने देके गई है। एक तो बाहर पता नहीं तुम्हारे कौन कान भरता और घर में आके तुम गुस्सा निकालती। रानी, रानी इसके लिए पानी लेकर आओ। कोई जरूरत नहीं किसी को मेरे कमरे में आने की।